तो कोविड रहा है सर, अभी भी नियंत्रण में है और अभी हमारे यहाँ लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं। अभी 3 अप्रैल को ही सेक्रेटरी इंचार्ज यहाँ के पधारे थे, यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ में भी डिटेल मीटिंग, काफी विस्तृत मीटिंग हुई थी। सभी मैनेजमेंट के मेंबर्स भी थे, अधिकारी भी थे, उसमें निर्णय लिए गए थे। और जो बहुत सारी चर्चाएं अभी आ रही थी वो तो काफी कुछ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट लेवल के हैं, तो हम ले चुके हैं। मुख्य बात यहाँ की 2-3 थी सर, वो ये कि यहाँ पर जात मेला दंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको उन्हीं लोगों को जो करते हैं उनको विश्वास में लेके उन पर नियंत्रित करने का सीख करें ही ना। शादियों ये सब यहाँ हो गया है सर, और आपके आशीर्वाद से जो मांगे सब जिलों से आ रही हैं, 3 साल पहले ही आपने यहाँ पर सीटी स्कैन दे रखा है जो 1200 रुपए में ही कर देता है, और 600 बेड का हॉस्पिटल भी है, और अभी कल 12 पेशेंट पॉजिटिव यहाँ आए हैं। पहले भी जो हुआ था, पिछली बार क्यों हुआ उस पर भी चर्चा होकर के वो भी न होने पाए, और देहात में तो काफी अच्छा है, नियंत्रित है, इसलिए यहाँ पर केवल वैक्सीनेशन के लिए और बढ़ जाएगा, उपलब्धता के अनुसार आ ही जाएगा, वो हो जाता है। तो यहाँ पर तो आपके आशीर्वाद से सब ठीक है और ठीक ही रहेगा। प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब मिलकर निर्णय लेते हैं, कहीं कोई सभी उसके लिए प्रयास करते हैं और अवेयरनेस के लिए भी कोशिश हो रही है। और अभी काफी मुरने जैसी जगह में काफी तादाद में लोग अब मास्क का भी उपयोग कर रहे हैं, डिस्टेंस का भी, और पालन भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सब ठीक है सर। आपका ज्यादा वक्त हम लोग लेने से बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसी स्थिति बनाए रखें ताकि बाकी जगह के बोझ को हम ठीक करते रहे। मुरैना वालों को धन्यवाद। बाबा साहेब अम्बेडकर चिंता राज के जी के चढ़ी दिन चढ़ी दिन चढ़ी दिन भारत माता की जय। भारत माता मतलब अगर मैं नगर निगम को कंट्रोल कर लेता हूँ तो मैं ये मान लेता हूँ कि हम कोरोना की जंग जीत गए। इसके लिए मेरा आप सबसे ये है कि बाकी जगहों पर आप जो रियायत मांग रहे हैं हम बाकी जगह पे दे सकते हैं। नगर निगम में मेरा अभी भी कहना है कि ग्वालियर 7 दिन के लॉकडाउन में चला गया। पिछली बार जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा अगर मुरैना में केसेस बढ़े वो इसलिए बढ़े कि ढोलपुर में लॉकडाउन लगा, शादी की शॉपिंग करने सब लोग मुरैना है। अभी आप यकीन मानिए कि ग्वालियर का लॉकडाउन जो आज से शुरू हुआ है सबके सब शॉपिंग करने मुरैना आए। सहमत इस बात, तो भाई मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमको 2-3 चीजें पर खड़ी निर्णय लेना चाहिए। आप जो बता रहे हो सबसे हम सहमत हैं, हम भी उतनी ही पीड़ा से है कि किसी का रोजगार हम किसी का छीनना नहीं चाहते,
लेकिन मेरा ये कहना है कि नगर निगम का अगर मैप में हम लोगों ने प्लानिंग किया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि दो वार्ड में पड़ा या तीन वार्ड में, पूरे नगर निगम में अलग अलग जगह पर केस कर रहे हैं। जो आपको हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी दिखाया वो इसलिए दिखाया है कि ट्रैवल हिस्ट्री से कम है, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के फर्स्ट कॉन्टैक्ट से केसेस कम है, सबसे ज्यादा केसेस निकले तो आईएलए के निकले, मतलब अंदर है अपने अंदर वायरस। अगर इसको चिंता का विषय है, और इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि हम सैटरडे और संडे को हम लॉकडाउन लगा रहे हैं जो शासन ने लगाया, उसके बाद तीन अतिरिक्त दिन हम लॉकडाउन लगाए ताकि जब तक ग्वालियर का लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक अपना भी लॉकडाउन साथ में रहे। इसमें दो तीन मुद्दे हमारे लॉकडाउन नहीं कहेंगे, कोरोना कर्फ्यू, दो तीन हमारे अच्छी बात ये हो जाएगी कि वहां के लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं आएंगे, तो हमारे यहाँ पर जो दुकानदार वगैरह पे भीड़ लगी हुई है वो हमारे पास कम हो जाएगी, कम से कम ग्वालियर का संक्रमण हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि इस बीच में हमारा नवरात्र भी जो मेजर है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो संक्रमण जो बढ़ने का है वो हम लोग किसी ना किसी हद तक रोक सकते हैं। क्योंकि आप अन्य जिलों में बात करोगे तो मात्र, जैसे अगर आप इवन ग्वालियर की केस लो, मात्र चार दिन पहले मात्र 200-190 केस थे, आज के दिन में 500-600 केस आ गए, तो वो जो रफ्तार बढ़ने का है वो बहुत ज्यादा है। हम आप सबकी जितनी भी पीड़ाएं हैं, हम लोगों की पीड़ाएं हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम कितने भी बेड बढ़ा लें, हम ग्वालियर के मुकाबले हमारा मेडिकल कॉलेज तो है नहीं। ग्वालियर में जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं, कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे केसेस बढ़ जाएं, तो वहां की लोड उठाना भी पड़ेगा ना ग्वालियर को। तो भाई इसलिए मेरा आप सबसे बिल्कुल निवेदन है कि जो आपने मैरिज गार्डन की रियायत मांगी है, आपने जो हमको बाकी जो रियायत मांग रहे हो, कृपया करके आगामी बुधवार तक वो रियायत हम भारत सिंह कुशवाहा जी। सर नमस्कार सर, आप अपना क्या लॉकडाउन पे? हाँ सर, जो सर जो मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ सर, जो सुझाव आए हैं माननीय मंत्री बैठक में, सबसे खुशी की बात यह है, और इसलिए जो भी सुझाव आए हैं निश्चित रूप से वो जनहित के सुझाव है, चाहे वो शादी की बात करें हम, शादी भी आवश्यक है, अकेले इसमें जो संख्या है वो 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें मेरा इस जो सुझाव आया है निश्चित रूप से बढ़िया सुझाव है। दूसरा, जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था और दुरुस्त करने के लिए हमें अगर बेड बढ़ाने की भी आवश्यकता है, बेडों को भी बढ़ाए, और वेंटिलेटर को भी की अतिरिक्त व्यवस्था हम करके निश्चित रूप से चले, और ऑक्सीजन को लेके कहीं कोई दिक्कत आ रही हो शासन स्तर से तो उसकी भी पूर्ति की जाएगी, और जिस प्रकार से शहर और ग्रामीण में जो संक्रमण का जो अंतर सुझाव में और आपके आम सहमति से होंगे, सबसे पहला तो ये है कि हम जो आप कह रहे हैं दो दिन का समय देना चाहिए, हमारा लॉकडाउन जो लगता है या कोरोना कर्फ्यू जिसको कहते हैं सैटरडे संडे को लगता ही है, हम इसको एक्सटेंड करते हुए आगामी बुधवार तक ले जाना चाह रहे हैं, मतलब 17 तारीख की रात से 16 तारीख के रात से 22 तारीख की सुबह तक हम लगाएंगे, 22 को हम दोबारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाएंगे, अपन उसमें फिर जो निर्णय होगा वो हम करेंगे, लेकिन 22 से हमारी दुकानें खुल जाएंगी। इस कोरोना कर्फ्यू के तहत आपने जो दो सुझाव दिए हैं कि एक तो सब्जी मंडी हमारा जो है वहां पर थोक विक्रेता आएंगे, अब वहां पर बेचने नहीं दिया जाएगा, ठेली की व्यवस्था हम लगाएंगे, लेकिन जो बाकी तीन दिन है, जो सोमवार मंगलवार और बुधवार जिस दिन हम लोग कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं, उस दिन सुबह 7 तारीख से लेके 10 बजे से लेके 10 बजे तक, 7 से 10 बजे तक हम लोग सब्जी दूध और किराने की दुकान ओपन करने की अनुमति देंगे, जिससे कि लोग अपना जो जरूरी थी चीजें हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जो आप मैरिज गार्डन आदि की चीज बता रहे हो, मेरा बस बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आप सहमत हो तो हम बुधवार तक, हम अभी कंप्लीट हम बंद कर लेंगे, और बुधवार के बाद जो हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट में दोबारा आएंगे केसेस को देखते हुए, उसके बाद फिर हम मैरिज गार्डन और बैंड वालों के संबंध में अलग से कर देंगे। ये हम जो कर्फ्यू लगा रहे हैं ये सिर्फ नगर निगम के क्षेत्र में लगा रहे हैं अभी फिलहाल,
पूरे जिले भर में अभी हम फिलहाल नहीं लगा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस हमारे 200 केसेस है, और बड़े से बड़े हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो इधर ही आते हैं, तो हम नगर निगम के क्षेत्र को पूरी तरह आगामी बुधवार तक हम कोरोना कर्फ्यू लगाना चाहते हैं। इसमें अगर आप लोग सहमत हो तो फिर हम आगे बढ़ें। नहीं सहमत सर, इसमें ये जो अपन बुधवार तक लॉकडाउन कर देंगे, लेकिन मुरैना में जो इंडस्ट्रियल एरिया है या औद्योगिक, उसको छूट रहेगी, वो शासन से ही छूट मिलेगी, वो लेबर जो जाएगी उसके लिए उसको हम अनुमति देंगे, वो अपना कार्ड देंगे। दूसरा मेरा अनुरोध ये था कि सर, के मुरैना जिले में कैलावास तहसील एक ऐसी है जहाँ पिछले लगातार दो दिनों में काफी पेशेंट्स निकल रहे हैं, हाँ, तो उसपे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं उसमें आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि हमने उस पर कंट्रोल देखा है, दो परिवारों में ही सबसे ज्यादा केस आए, मतलब जैसे नगर निगम में एक फैल के आया है वैसा अभी नहीं। अगर कैलारस में हमको ऐसी कोई स्थिति निकलेगी तो हम कैलारस में जहां पर भी निकल रहा है, या तो गांव या तो वो शहर, वो हम फिर लॉकडाउन में शामिल करेंगे, लेकिन तब हम आप लोगों से दोबारा चर्चा करके वो निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल मुझे ऐसा उसको देख के नहीं लग रहा कि कैलारस में हमको अभी कोरोना कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता है। मुझे नगर निगम की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि मेरा 70-75% केसेस नगर निगम में, तो पहला ये निर्णय हम लोग सहमति से ले लें तो ज्यादा ठीक है। तो अभी मेरा कहना है कि हम बैंड और जो मैरिज गार्डन जो शहरी वाला है उसको हम लोग आगामी बुधवार तक डालते हैं, उसके बाद हमको जैसी स्थिति मिलती है वो 3 घंटे में जिसको जो लेना वो लेंगे, फिर हम 7-10 बजे फिर फैक्ट्री लेवर के लिए फैक्ट्री वाला ही आई कार्ड देगा, कंपनी वाला जो आई कार्ड है वो हम अलाउ कर देंगे, आपकी तरफ से कोई नहीं, हम नहीं दे रहे क्योंकि हम बहुत 1 महीने का लॉकडाउन तो लगा नहीं रहे, 3 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो उसमें हम इश्यू करने के बजाय आप कंपनी वाले आप इश्यू करोगे कि आपके 3 शिफ्ट में होते हैं या 2 शिफ्ट होते हैं, तो उसको हम अलाउ कर लेंगे। बस इसमें आपसे निवेदन है कि औद्योगिक जितने भी लोग हैं एक प्रारूप का फॉर्मेट पुलिस विभाग को दे दें, ताकि हम लोग नीचे जो टीम्स लगी है उसको हम लोग प्रारूप दे देंगे। ठेला वालों को भी कार्ड इशू कर देना, सब ठेला वाले हम उनको इसी पे आ रहे हैं। ठेला वाला जो आप लोगों का सुझाव है कि पिछली बार जैसे मैनेजमेंट हुआ था सब्जी वाला बंद करके, हम ठेले वार मान वार्ड वार जो है ठेले वाले को नियत करके एक जगह फिक्स कर देंगे, वो हम लोग उसी हिसाब से चलाएंगे। तो हमारा ये तय रहा कि सैटरडे संडे तो प्रशासन का है, उसके अलावा हम 3 दिन और अतिरिक्त लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारे वर्तमान में मंदिर है उस पे भी हम लोग दर्शन थोड़ा प्रतिबंधित करें आगामी बुधवार तक, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा हम लोग इवन जो शनि मंदिर है उस पे हम लोग फिर अभी पाबंदी रखेंगे कि भाई जो सिर्फ दर्शन करके निकल जा रहा वो है, वहां पर फिर हम लोग उठने उठने की अनुमति नहीं देंगे, उसका हम लोग फिर बंद करके रखेंगे। जो कुंभ से लौट कर आ रहे हैं, 5 से 10 हजार आदमी ग्वालियर से आता है, और ग्वालियर इस वक्त हॉटस्पॉट है, तो अपन ये चाहेंगे कि उसको टोटली वहाँ प्रोहिबिटेड कर दिया जाए कि ग्वालियर से कोई नहीं आए, तो मुरैना कम से कम तो सुरक्षित रहेगा, जो मुरैना के 100-125 लोग जाते हैं वो तो बचे रहेंगे। और कुंभ से आ रहे हैं उनको भी थोड़ा, कल शुक्रवार का पर्व है रमजान के महीने का, इसमें लोग ज्यादा मस्जिद में आएंगे, इसलिए इसके लिए जो है बंद बुधवार तक कल शाम से हम आपको 2 दिन दे रहे हैं, आज और कल, तो जितने लोग को भी कुछ बाकी चीजें लेनी है वो ले लेंगे, सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तक हम लोग उसको कोरोना कर्फ्यू अनाउंसमेंट हो जाए यार, जिससे सबको अनाउंसमेंट हो जाए।
ग्वालियर टाइम्स के लिए रूबरू फिल्म जा रही है, आज की बैठक भी जा रही कोरोना की, जो बैठक हुई क्राइसिस में हुई है। 5 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है मुरैना में। कर दिया कितनी तारीख तक? 22 की सवेरे तक। 22 की सवेरे तक कब से बंद हो जाएगा? बृहस्पति सवेरे 6 बजे तक, गुरुवार 6 बजे, कल शाम से शुरू होगा। अच्छा, कल शुक्रवार है, कल तो वैसे ही बंद होगी। वो कल से शुरू, केवल 3 दिन का बढ़ा है, सोमवार मंगल बुध बुध और 2 दिन पहले शुक्रवार को बंद हो गया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि टाइम के लिए कि इसका क्या असर पड़ेगा मुरैना पे? मुरैना पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा था। कैसे असर? जैसे हम लोग हैं छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार हैं, हम लोगों को पहले लॉकडाउन पड़ा उसमें हमारी हालत बहुत खराब रही, अब दोबारा लॉकडाउन पड़ने से बहुत हालत खराब हो जाएगी। दुकान किराए की है, बिजली का बिल भर नहीं है, नौकर का किराया दे नहीं है, और सारे खर्चे लगे हुए हैं घर के, दुकान के, सबके, तो इसमें हालत खस्ता होती जा रही है। व्यापारी का पैसा टाइम पर नहीं पहुंचेगा, वो हम लोगों को माल नहीं देगा। इससे तो ये करते हैं ऐसा कि इस लॉकडाउन के पेक्षा वो मार्केट सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलवाते, 7 बजे से 10 बजे तक खुलने का है, 7 से 10 बजे तक मार्केट को खुलवाते और उसको हमेशा के लिए कर देते कि 2 महीने तक मार्केट 10 बजे से लेकर 10। अभी तो केवल इसी का किया है, 22 को फिर बैठक होगी, उसमें अगला निर्णय लिया जाएगा। अगला निर्णय के अंदर हम लोगों को बुलाया ना साहब, हम लोगों को दुकानदारों को बुलाया ना, दुकानदारों को बोला जाते हैं दुकानदारों के नाम पे, वो लोग जाते हैं, कोई लोग बुलाते हैं। ग्वालियर के लोग यहाँ खरीदने आते थे क्या सामान? हाँ, ग्वालियर के लोग मुरैना सामान खरीदने नहीं आते। ग्वालियर में लॉकडाउन हो गया नहीं, ग्वालियर से लोग मुरैना सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर जो लोग तगादा करने वाले व्यापारी हैं वो आ रहे हैं, तगादा करने आज भी आए, लगातार आ रहे हैं व्यापार करने। उन लोगों को रोकने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए प्रावधान ये व्यवस्था की गई है कि ग्वालियर वाले मुरैना में नहीं आए, कोरोना नहीं, बंद हो जाएगा तो आएंगे नहीं फिर। वो जय किया, इसीलिए किया, ये 1 हफ्ते की व्यवस्था करी है। अभी इसमें हम लोगों को बुलाया ना, हम लोग जाए। अच्छा, अपना नाम बताओ। मेरा नाम गिरिराज कुमार बंसल, फॉर्म अग्रवाल रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल। पूरा एड्रेस बता दो, कलेक्टर साहब देखेंगे, उनका भी वीडियो इसमें आ रहा है। मैं पौधे से निवेदन करना चाहूँगा कि ये आप लोगों की जो मीटिंग होती है कोरोना के विषय के अंतर्गत, जैसे लॉकडाउन करना है या मार्केट में कुछ भी करना है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा बुलाया जाए। बुलाने का उद्देश्य ये है, जैसे बस स्टैंड से कोई भी एक दुकानदार ले लो, जो दुकानदार अच्छा हो, जो सरकार की निगाह के अंदर हो, उस दुकानदार को बुलाने के बाद उसकी भी राह ली जाए। पुराना बस स्टैंड बुलाने के बाद सलाह ली जाए और फिर सरकार की इच्छा है वो अपना करे, हम लोगों की राह ले ली। यूनियन वगैरह है जिसको कॉन्टेक्ट किया जाए? यूनियन साहब, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर बता दो, इसी में बता दो। मैं अपना, मेरा मोबाइल नंबर है 9300395556। ये आपका वीडियो पहुंच जाएगा उन तक, साधन तक पहुंच ही जाएगा। और कुछ कहना? बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये लॉकडाउन के अपेक्षा अगर ये गवर्नमेंट 7 बजे से लेके और मार्केट 11 बजे तक खुलवा दे, 12 बजे तक खुलवा दे, तो 3 महीने के लिए लगातार कर दे, कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। नहीं कंट्रोल में आया तो हम लोगों की राह दोबारा ना ली जाए। बात तो सही है, मैं भी सहमत। इसको बंद ना करा जाए, अगर हम टोटल बंद ना करा, हम लोगों को समय कम कर नहीं, हाँ टोटल बंद ना करा जाए, 4 घंटे हम लोगों को दे दिया जाए। 4 घंटे के अंदर छोटा मजदूर, बड़ा दुकानदार, छोटा दुकानदार, सबका पेट भर जाएगा, सबका पेट भर जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और शासन के फुल सपोर्ट रहेगा। जिसने ये किया है, जिसके पास कार्ड होगा जी कंपनी का जी, वो लोग आ जा सकेंगे जी। ये भी है जी, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कलेक्टर साहब से कि हम लोगों को थोड़ा सा बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड से एक दुकानदार बुला लिया जाए, बेरियल चौराहे से एक दुकानदार बुला लिया जाए, हनुमान चौराहे से एक दुकानदार बुला लिया जाए, गन से एक दुकानदार बुला लिया जाए, 4-5 दुकानदारों को बैठाने के बाद उनसे राह ली जाए, और जो बेहतर लगे शासन को फर्म होकर। बिल्कुल कायदे की बात है, मैं भी सहमत हूँ इस बात। हम लोगों को लॉकडाउन ना लगाया जाए, इससे हर आदमी परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इससे क्या रहेगा, इससे हम लोगों का नुकसान जो हो रहा है, छोटा जो कर्मचारी है उसके पेट में लात मर रही है, वो भूखा सो रहा है, मार उसको दोबारा से चिंता सताने लगी है, कहीं हम भूखे ना मर जाए। बिल्कुल सही बात, बस ठीक।
अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष गर्ग। और पता और मोबाइल नंबर पूरा बता। मुरैना बस स्टैंड MS रोड मुरैना 9965-76-86-46। आज लॉकडाउन लगा गया 5 दिन के लिए जी। गुरुवार सवेरे तक रहेगा जी, 22 तारीख को सुबह 6 बजे तक जी। इससे क्या असर पड़ेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा है ये, आप लोगों को क्या असर पड़ने वाला है मुरैना शहर पे? आप पे केवल नगर निगम क्षेत्र में लगाया है जी, और कहीं उतना तो ठीक है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से क्षतिपूर्ति होगी। लेकिन अब बीमारी को रोकने के लिए सरकार जो उपाय सोचती है वो अपने नियमानुसार सोचती है, और जहाँ तक उनको उचित लगता है कि लॉकडाउन रखा जाए तो रखना ही होगा। मैं तो इस पक्ष में, क्योंकि इसका कोई दूसरा उपचार या कोई साधन, कोई उन्मूलन का कोई रास्ता हो वो गवर्नमेंट के पास में शायद नहीं है। अब बीमारी से बचने के लिए, बहुत बड़ी बीमारी है, घातक बीमारी है, उसे रोकने के लिए सरकार को ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो संतोष कुमार गर्ग जी, ये बताइए आप कि इससे व्यवसाय पे, दुकानों पे, इस चीज पे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को भूखे मरने की नौबत पिछले लॉकडाउन में आ गई थी, उसका कारण था का रोजगार सबसे ज्यादा परेशान होता है निम्न वर्ग का व्यक्ति, जो मजदूरी करके अपना पेट पालन करता है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो अपने धंधे को कहाँ ढूंढे। जाके इन परिस्थितियों में रोजगार बिल्कुल चौपट हो जाते हैं, और सारे रोजगार मजदूर से जुड़े हुए हैं। जब मजदूर को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो उसका पेट पालन कहाँ से होगा? उसके अलावा सरकार कुछ सहायता भी करती होगी, समाज सेवी भी सहायता करते हैं, व्यापारी संगठन भी सहायता करते हैं मजदूरों की, जो कि पिछले वर्ष देखा गया है, सुना भी गया है। तो मजदूर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जो रोज कमा के खाने वाले हैं उन पर बेहद असर आता है। और जनता को? जनता तो साहब कैसे भी अपने आप को मैनेज करके चलती है, उसकी थोड़ी परेशानियाँ तो बढ़ती है, ये बात सत्य है। जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होती समय पर, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक वो अपना पेट पालन, जरूरी सामान थोड़ा बहुत व्यवस्थित करके रखते हैं। अच्छा, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अनुमति दी है बाजार को जी, उसमें आदमी खरीदारी वो कर सकता है, दूध सब्जी फल किराना वगैरह जी। तो 7 से 10 तक तो अभी ये 5 दिन की व्यवस्था करी ही है जी। और उसके बाद 22 को बैठक होगी, उसमें ये पुनर्विचार किया जाएगा जी। आज जो बैठक हुई है उसका भी वीडियो आप ही के साथ जा रहा है जी। उसी में ही आप जाएंगे कलेक्टर साहब के साथ और नेता हैं सब जी। सारे विधायक और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। और कुछ कहना? बस इतना ही। ठीक। चालू हूँ। अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। अरे वीडियो में जा रहा, दुनिया देख रही है, कलेक्टर साहब का वीडियो सब में जा रहा। बता तो रहा हूँ, नाम बता। नाम तो तुम्हें बताइए। अरे मुझे मालूम है, इसलिए बोलो। चल रहा कैमरा राकेश। हाँ
नाम राकेश। राकेश, आज लॉकडाउन बढ़ाया है 5 दिन के लिए, मतलब 3 दिन के लिए बढ़ाया, 2 दिन का तो पहले ही से था, वो जो तक शाम तक मतलब रात का रहता तो गुरुवार सुबह खुलेगा। इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा ये बता दो, तुम्हारे लिए कैसा फायदे का है का नुकसान का? नुकसान का है। एक की तरफ देख तो बोलो, नुकसान का है, नुकसान का है। क्या क्या वो बताओ, ब्यौरा ब्यौरा बताओ। दुकानें बंद रहेंगी तो नुकसान ही है, रोजी रोटी खत्म हो जाती है, रोजी रोटी खत्म हो जाती है, जब कुछ लेने नहीं आएगा तो फिर क्या का वो है। लेकिन उनको अनुमति दी गई है दूध सब्जी किराना वगैरह को, फल वगैरह को अनुमति दे दी है, इसमें इस वाले में है। आज जो बैठक में फैसला किया इसमें दी गई है, वीडियो आएगा अभियान चैनल पर चलेगा, आपके साथ ही कलेक्टर साहब का भी है, उनका भी वो चलेगा। हमने कहा तो आपको क्या फायदे नुकसान है इसके, लगना चाहिए था कि नहीं लगना? नहीं चाहिए है, लगना नहीं चाहिए। क्यों क्यों? आम जनता परेशान है। हैं कैसे कहते हैं, मुझे बंद से मुझे भारत का टाइम आ रहा है, आज आदमियों को दिक्कत आ रही है, परेशानी पड़ रही है। क्या परेशानी पड़ रही है? परेशानी ये पड़ रही है कि दो की चीज चार में मिल रही है बाजार में। अच्छा, दो की चीज चार में। हाँ। और क्या है, भूखा मर रहा है, परेशान हो जाता। हाँ। ग्वालियर के लोग यहाँ आते थे खरीदारी करने? नहीं, ग्वालियर लॉकडाउन लग गया था, नहीं आते। ग्वालियर वालों की वजह से लगाया है, ग्वालियर वाले आते थे, जब उनका लॉकडाउन हो गया तो मुरैना खरीद के ले जाते थे। अच्छा। मुरैना बंद हो जाए तो मुरैना वाले धौलपुर से खरीद लाएंगे, धौलपुर पास में पड़ता है। मतलब लॉकडाउन की स्थिति अभी थी नहीं? नहीं थी, केवल नगर निगम में लगाया है। हाँ। और कहीं नहीं लगाया, मुरैना नगर निगम क्षेत्र में लगाया है। लेकिन सब्जी वब्जी की तो अनुमति है यार, खूब बेच सकते हो, ठेला पे बेच सकते हो, दुकान पे बेच सकते हो, 7 बजे से 10 बजे तक, सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक खुला अनुमति है, 7 बजे से सुबह 10 बजे तक, 3 घंटे की। हाँ, मतलब जनता भी निकल सकती है खरीदने और आप भी निकल सकते हो बेचने, या यहीं पे रह के बेच सकते हो। जैसा लॉकडाउन नहीं है वो पहले जैसा, और कुछ कहना है लॉकडाउन पे? और कुछ नहीं कहना है, और हमारे पड़ोसी हैं बिदू भाई कहेंगे तो बिदू भाई से ही पूछ लेते हैं। हाँ बिदू। हाँ। आपका नाम क्या बताओ? बिदू श्रीवास्तव। हाँ, आज लॉकडाउन बढ़ाया 3 दिन के लिए, कुल 5 दिन का लॉकडाउन हो गया है मुरैना में, वो भी नगर निगम क्षेत्र में। हाँ। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, लॉकडाउन से नुकसान फायदा या क्या चीज़ है? लॉकडाउन से आर्थिक स्थिति डमाडोल हो रही है, सरकार कोई सहायता नहीं करेगी किसी के खाने पीने की। अरे लॉकडाउन करना है तो हनुमान चौराहे की भीड़ को रोको, वहाँ भीड़ लगा रखी है, और कुछ ऐसा नहीं है कि लोग खरीदने जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे खरीदने उनको, जिनको कुछ काम ही नहीं है उनके चूतड़ लाल कर दो ना, 4, 6, 10 को मारोगे भीड़ छटक खत्म हो जाएगी, घर में बैठा लो उनको। लॉकडाउन से क्या होगा, दुकानदारों की स्थिति खराब है, बिजली का बिल जा रहा है, दुकान का किराया जा रहा है, ये कहाँ से देंगे, सरकार देगी बेंच? समस्या जे तो मतलब कहने का ये कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हैं? तीन अब लॉकडाउन करोगे तो मेन रोड पर गलियों में दुकानें खुल रही हैं खूब सारी, बरखंडी रोड पर दुकानें खुलती हैं, शुक्रवार के दिन ही खुली थी, शनिवार के दिन, इतवार के दिन पूरी दुकानें खुली थी, क्या मतलब है लॉकडाउन का? पुलिस वालों को केवल रोड ही रोड दी गई है और अंदर नहीं दिया गया है, गलियों में मोहल्लों में, मैं रोड की दुकानें बंद कर दो, गली मोहल्ले। लेकिन इसमें कुछ छूट भी दी गई है इस वाले में, 7 बजे से 10 बजे तक। हाँ, तो क्या दूध वाले दूध बेच लेंगे, सब्जी वाले सब्जी बेच लेंगे, फल वाले फल बेच लेंगे, और क्या है? मेडिकल वाली बात अलग है, मेडिकल को भी कुछ दिन बाद बंद करेंगे, चिन्हित दुकानें खोल देंगे। नहीं, किराना भी को अलाउ किया है? नहीं किया किराना के अलाउ, पढ़ लेना जरा। नहीं, मेरा वीडियो ही जा रहा है, उनका वीडियो है मेरे पास बैठक का, आज का इसी आपके साथ ही जा रहा है, जो आपका जा रहा है ना इसी के साथ उनका भी, वो भी जा रहा है बैठक का, जो भी है उसी संबंध में मैं तो व्यू ले रहा हूँ आपका रूबरू। व्यू तो मैंने सही दिया है,
इससे कोई सही गलत से मतलब नहीं, आपका जो भी जनता की तरफ से अपनी तरफ से कहना है वो कहो। अरे जो फालतू घूम रहे हैं बाजार में उनको पकड़ो तब जाके सही होगा। आदमी सामान खरीदने आ रहा है उसको तो एक एक कल के उसमें गांधी कॉलोनी में दो ही मकान अगल बगल के में पूरे पूरे परिवार निकले हैं। कौन कौन? पार्क के आसपास है और इसके अलावा गांधी कॉलोनी में और भी निकले हैं कुछ। हाँ हाँ सरजी मंडी में है कुछ, चंबल कॉलोनी में है, संजय कॉलोनी बाजार में है, बाजार लाइन में ज्यादा है और तुलसी कॉलोनी में, और मतलब पूरे मुरैना नगर निगम क्षेत्र में। और जो लोग 70% लोग मुरैना नगर निगम, जो लोग मास्क नहीं लगाए दुकानदार उनके चूतड़ों पे बैठ बजा दो। जैसे ये खड़े हमारे बगल से कहते कहते बुढ़ापा आ गया हमारा। ये तो तुम्हारे माँ उसका इंतजार करते थे, आए सैनिटाइजर को पकड़ा देते कि इनके यहाँ से लगा लो, मास्क को कह देते इनके यहाँ से लेकर पहन लो, मुझे क्या रखने की जरूरत। वो तो कह रहे कि बाकाया मेरा पड़ोसी बताएगा सब कुछ। मैं कहा बताऊंगा, वो तो सब कुछ पड़ोसी करता है। लगाओगे सामने वाला लगाएगा, खुद नहीं लगाओगे सामने वाला नहीं लगाएगा, और जगह खुद को हो जाएगा। अब सरकार की तरफ से गांधी कॉलोनी में निकले हैं और गोपालपुरा में, संजय कॉलोनी, चंबल कॉलोनी, सब जगह ले ले तेरे पास आते जरूर तेरा कोरोना लेकर जाएंगे। इसमें सावधान रहना, बच के खेल, मास्क लगा के, सैनिटाइजर भले इसके यहाँ जाके आ जाना जरूर।